अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो व्यूअर्स, आज हम बना रहे हैं कबाब। ना इसमें आलू पड़े हैं ना इसमें कीमा, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेस्टी कबाब बनकर रेडी होंगे कि अगर कोई भी खाएगा ये कबाब तो उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कबाब किस तरह बनाए जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम बना रहे हैं सोयाबीन के कबाब, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। तो अगर हमारे तरीके से आप बनाओगे ना तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। तो सबसे पहले सोयाबीन को यहाँ पे हम भिगा लिए थे 10 से 15 मिनट पहले गर्म पानी में। अब ये अच्छे से फूल चुके हैं, इसके सारे पानी को निचोड़ कर इसे अच्छे से हम पीस लेंगे दरदरा सा। तो देख सकते हैं सोयाबीन को हम पीस चुके हैं। अब इसमें हम डालेंगे हरी मिर्ची पिसी हुई। तो हरी मिर्ची आप चाहे तो काट के भी डाल सकते हो, लेकिन इससे ज़्यादा बड़ी बड़ी लगेगी। तो हम दरदरी से पीस लिए हैं और यहाँ पे फिर ले लिए हम प्याज। प्याज को हम एकदम बारीक चॉप्ड करना है। अगर आपके पास ग्राइंडर है तो आप उसमें भी इसको ग्राइंड कर सकते हो, क्योंकि बड़े बड़े कबाब में नहीं अच्छी लगती है प्याज़ें। अब इसमें हम डाल देंगे कटी हुई धनिया के पत्ते, और इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच गरम मसाला, और आधा चम्मच इसमें हम डालेंगे आमचूर पाउडर। इससे बहुत ज़्यादा टेस्टी हमारे कबाब बनेंगे। टेस्ट के मुताबिक आप नमक डाल सकते हो। और इसमें हम डाल रहे हैं आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और उसके बाद फिर इसमें हम डालेंगे मैगी मसाला। तो यहाँ पे जो 5 रुपये वाली मैगी मसाला पैकेट आती है उसे ले लीजिए, लेकिन अगर आपको पूरी डालना है तो पूरी डाल दीजिए। यहाँ पे आधी हम डालेंगे। तो डालने के बाद इसमें हम डालेंगे 1 से 2 चम्मच तेल। तेल डालने के बाद इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, ताकि ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएँ। उसके बाद फिर इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर, और 1 चम्मच इसमें हम डालेंगे चावल का आटा। कॉर्नफ्लोर क्या होगा कि हमारे कबाब को एकदम अच्छे से बाइंडिंग देगा, और चावल के आटे से बहुत क्रिस्पी से और कुरकुरे से हमारे कबाब बनेंगे। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर चुके हैं, आप देख सकते हो। तो अब इसे हम चलते हैं कबाब बना लेते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड है, आपको जितने बड़े कबाब चाहिए आप बना सकते हो। तो यहाँ पे हम थोड़े से बड़े बड़े कबाब बनाएंगे, क्योंकि फिर तो देख सकते हो बहुत अच्छे से चिकने से कबाब बना लीजिए, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर आपको लगे कि बहुत ज़्यादा ये सूखा सूखा है तो इसमें तेल और डाल सकते हो 1 चम्मच। तो ऐसे ही सारे करके कबाब बना लेते हैं, उसके बाद फिर इसे हम फ्राई करेंगे। तो बस यहाँ पर हम रख दिए हैं एक तवा। तवा में अच्छे से तेल गरम हो चुका है, ज़्यादा तेल ना डालें। कबाब में बहुत ज़्यादा तेल डाल देंगे तो फिर हमारे कबाब फूट जाएंगे। अब इसमें हम इसमें कबाब को रख चुके हैं, 4 कबाब एक साथ फ्राई करेंगे। तो तेल को हम बीच बीच यानी साइड साइड से गिराते रहेंगे, ताकि अच्छे से पक जाएं। ऐसे हम 2 से 3 मिनट तक लो फ्लेम पर छोड़ देते हैं। तो देख सकते हैं पूरे 3 मिनट हो चुके हैं लो फ्लेम पर, और हमारे कितने अच्छे से कलर हो चुके हैं सोयाबीन के कबाब में। अब इसे हम पलट कर फिर भी इसे 2 मिनट तक पकाएंगे, ताकि ये दोनों तरफ से एकदम परफेक्ट कलर आ जाए। तो देख सकते हो ये हमारे कबाब बनकर रेडी हो चुके हैं। तो अब इसे हम गर्मा गर्म निकाल लेते हैं और गैस का फ्लेम बंद करते हैं और इसे सर्व करते हैं। तो इसके लुक देख सकते हो, माशाल्लाह कितने ज़्यादा डिलीशियस और कितने ज़्यादा परफेक्ट सोयाबीन के कबाब बने हैं। ना इसमें कीमा लाने का झंझट, ना इसमें आलू, ना इसमें कोई और चीज़ डालना है। सिर्फ इसमें हम सोयाबीन से बहुत ज़बरदस्त तरीके से कबाब बना कर रेडी कर सकते हैं। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर शेयर करें, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।